डायमीटर है उस हिसाब से सब बहुत बड़े बड़े पत्ते आए हैं। देखो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज हम फिर से हाजिर हैं नई वीडियो लेकर। और ये जो आप इधर देख रहे हो ये लाल मूली का किला था और ये हमने ढा दिया। और इधर आप देख रहे हो तीन चार पेड़ देख रहे हो आप घुइया के, इसको अरबी भी बोलते हैं भाई, हमारे यहाँ तो इसको घुइया ही बोलते हैं। तो आज हम इसके घुइया के किले को ढाएंगे। और ये जो आप घुइया देख रहे हो ये हमने जो है अपने जब मैंने हल्दी लगाई थी यानी कि जून में इसको लगाया था और तब इसके काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हुए थे। और उसके हमने काफ़ी बार जो है पकौड़े बना के खाए, इसके पत्तों की सब्ज़ी बनाई है, पकौड़े बना के खाए। और अब जो है इसके लगभग सारे पत्ते जो हैं बड़े बड़े पत्ते, ये जो आप देख रहे हो ये लगभग पीले पड़ के गिरते जा रहे हैं। तो अब मैंने सोचा है कि अब इसके नीचे भाई देखें, ट्राई भी किया था, देखा था भाई इसमें घुइया पड़ी है कि नहीं। तो उस बार मेहनत ख़राब गई थी, तो उस दिन के बाद से एक आध महीना और हो गया है, तो उखाड़ के देखते हैं भाई कितनी घुइया पड़ी है इसके अंदर। तो घुइया के किले को ढाते हैं, अब छोटा पेड़ से स्टार्ट करते हैं, कुछ है इसके अंदर कि नहीं। भाई ये तो कुछ नहीं है, ये लो जी ये निकला है। चलो भाई ये किला मजबूत लग रहा है, इसी में काफ़ी बड़े बड़े पत्ते आए थे, इसी को ढाते हैं। जय बजरंग बली, उखड़ जा भाई। अरे जमूरा, ओहो हो कुछ तो है भाई, भाई पड़ी तो है देखो, ये लो भाई ये है एक आध इसके पीस अभी मिट्टी में रह गए, निकालते हैं उनको भी। चलो भाई ये तो हमारे कटोरे में भी नहीं आएगा, इसको बाहर ही रखते हैं। चलो इसको भी निकालते हैं बाहर। हाँ ये रहा देखो, ताजी है बिल्कुल भाई, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें हमने किसी भी प्रकार का कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया भाई, इसमें तो कुछ खास नहीं पड़ा, जो है सो उसी में निकला। और देखते हैं कुछ निकलता है क्या, नहीं भाई ये तो चौक निकल के आ रही है, यही है जो है। इधर देखते हैं, चलो भाई ऐसे आलू उखाड़ते हैं जैसे ये निकल रही है। हालांकि हमने आलू का पेड़ भी लगा रखा है एक, इसको देखते हैं। अरे वाह भाई, जितना बड़ा ये पेड़ है उसके हिसाब से ये तो काफ़ी छोटा, और इसमें तो घुइया देखो, जमीन आसमान का अंतर है ये तो। ये क्या है, अरे वाह इसका पेड़ शायद गल के पहले निकल लिया। अब ये घुइया कितनी है वो तो दो धा के पता चलेगी। ये लो जी एक और रह गया किला, लो जी। वैसे मैं आपको बताऊं जितनी बड़ी इसमें घुइया है, मैंने बात छोटी सी बिल्कुल एक गांठ लगाई थी इसके लिए, ये मैंने दो तीन गांठ लगाई थी। और ये भी एक तरीके से राइजोम की तरह ही बढ़ते हैं, ये राइजोम ही है ये। तो चलो जी घुइया निकल गई, धोते हैं इसको फिर मैं आपको दिखाता हूँ जरा कितना है ये। मैं इसकी धुलाई कर रहा हूँ, धुलाई वो वाली नहीं, धुलाई मतलब ये वाली धुलाई कर रहा हूँ। जिस हिसाब से इसका डायमीटर है उस हिसाब से सब बहुत बड़े बड़े पत्ते आए हैं, देखो इतने बड़े बड़े पत्ते आए थे। मेरी हथेली देखो कितनी छोटी लग रही है, इतने बड़े पत्ते आए थे इसके अंदर। तो ऐसे अटैच है शेर का पंजा देखो, थैंक यू।
तो हमने घुया को धो लिया है और ये लगभग 300 ग्राम के आसपास तो होगी। तो भाई रात की तो नहीं, लेकिन हाँ सुबह की सब्ज़ी ज़रूर इसकी बनने वाली है। तो दोस्तों पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया भाई बैंगन का और एलोवेरा का और कच्ची मूली का भी टेस्ट किया हमने, लेकिन जहाँ तक अरबी का सवाल है, अगर आप इसको टेस्ट करते हैं तो जीभ जो है वो लकड़ सकती है, यानी कि उसमें ऐठन आ जाएगी। तो भाई मैं टेस्ट करने वाला नहीं हूँ इसका, और हम बस इसकी जो है सब्ज़ी बना के खाएंगे भाई। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।